तो ये चीजों का ये एकजुटता, ये प्यार हरियाणा के लोगों को वहां देखा है, और हरियाणा के ऐसे शेर बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो जवान का है ना लठ मार के दे अपने, लेकिन दिल में कदे काला नहीं रखते, कदे किसी की बुराई, कदे किसी का वो नहीं रखते, सिर्फ जो बोलिया मुंह पे बोलिया। तो वो संस्कृति को जिंदा रखा, हमारे कलाकार जी वहां पे गए हुए काफी, इनको इन्होंने बताया भी होगा, वहां इतना प्रेम उमड़ा इन लोगों के ऊपर कि हमको खुद को खुशी हुई। और मैं यही चाहूंगा कि बड़ेसरे गांव के जसवंत जी ने मुझे वहां मौका दिया, और बड़ेसरे गांव की पंचायत ने मुझे यहां आने का जो मौका दिया, और मैं सर भगवान से इतनी दुआ करूंगा, इतनी प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म हो तो मेरा इसी बड़ेसरे गांव में हो, और इन्हीं भाइयों के बीच में हो, इन्हीं बुजुर्गों के आशीर्वाद लेके हो। और आप लोगों को, सभी भाइयों को मैं वचन देता हूं कि मैं तन मन से जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं उस रूप में आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों के करीब रहूंगा, अपने भाइयों के बीच में रहूंगा, ये चीज। और ना मैं कोई राजनीति करने आया हूं, ना मुझे वोट चाहिए, ना मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब भी बड़ेसरा गांव को मेरी जरूरत होगी, तुम्हारा भाई तुम्हारे बीच में होगा। मुझे कोई राजनीतिक मंच की या राजनीतिकता की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने मान सम्मान मुझे बहुत दिया है, लेकिन जो प्रेम से आप बुलाते हो वो प्रेम का मैं जिंदगी भर एहसान और कर्जदार रहूंगा, और जिंदगी भर तक ऋणी रहूंगा इस बड़ेसरे गांव की पंचायत का, जिन्होंने मेरे भाइयों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे आने का मान सम्मान दिया। और ये वो हमेशा हर चीज पे मैं ये करके जाऊंगा यहाँ से सभी भाइयों को कि कोई भी आपका भाई, अपना भाई, अड़ोस का हो या पड़ोस का हो या किसी भी जाति समाज से हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्राह्मण